ये जो उन्होंने 25 आदमी बैन किए हैं उनके खिलाफ बताएं हमें पुलिस स्टेशन के अंदर कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। अगर उनके खिलाफ आज तक कोई पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी नहीं लगी है तो नायब तहसीलदार कौन होता है उसको बोलने वाला कि ये इसका करेक्टर ठीक नहीं है, ये मेडिकल इसका ठीक नहीं है, ये नशे वाला हो गया, ये अंडर एज हो गया। कम से कम उसके डॉक्यूमेंट तो चेक करें पहले, उसके बाद ये मेन कारण है इनका बंद करने का। शादियाँ होने वाली है 2-3 महीनों के बाद, उनका नाम रिटर्न में दे दिया, मतलब पेपर में भी आ जाएगा ये, तो उनका भविष्य उनको कौन सा रिश्ता लड़की कौन देगा ऐसे लड़कों को जो नशा करने वाले। तो अगर उनके पास कोई प्रूफ है या उन्होंने मेडिकल करवाया है वो हमें दिखा दे, वो जिनके नाम है हम यहाँ ट्राई पे हम खुद नहीं चलने देंगे। हमारी यही समस्या है सर। बाकी ये है कि ये श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लाइज हैं, जो श्राइन बोर्ड के यहाँ पे एम्प्लाइज हैं हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, सारे नहीं है सर, कुछ चंद लोग हैं जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। घोड़े वाले हैं उनको जो कार्ड वाले लोग हैं ये क्या करते हैं, उनको बैन लगा देते हैं। बैन लगाने के बाद वो 10-10 हज़ार रुपये आप महीने का लेना शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे जहां पर लोग हैं जो सामने आपको बताएंगे 10 हज़ार रुपया ये लेते हैं। 2-3 जो चुनिंदा लोग हैं, बस हम यही चाहते हैं कि अगर श्राइन बोर्ड के मुलाजिम के जो घोड़े चल रहे हैं उनको परमिशन मिल सकती है, तो हमें आम आदमी को परमिशन या कार्ड इशू होना चाहिए। मिसबिहेव करते हैं या आउट ऑफ टॉकिंग बोलते हैं किसी के साथ, तो वो हमें बताएं कितनी एफआईआर लगी है उस आदमी के खिलाफ। ये जो उन्होंने 25 आदमी बैन किए हैं उनके खिलाफ बताएं हमें पुलिस स्टेशन के अंदर कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। अगर उनके खिलाफ आज तक कोई पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी नहीं लगी है तो नायब तहसीलदार कौन होता है उसको बोलने वाला कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये मेडिकल इसका ठीक नहीं है, ये नशे वाला हो गया, ये अंडर एज हो गया। कम से कम उसके डॉक्यूमेंट तो चेक करें पहले, उसके बाद ये मेन कारण है इनका बंद करने का। 8 हज़ार महीने का वो आदमी दे रहा है इनको चलाने के लिए, घोड़ा चलाने के लिए। शर्म की बात है, इन्होंने अंडरग्राउंड अपने वर्कर रखे हुए हैं सबने, कोई 500 रुपया ग्राही करके इनको शाम को दे रहा है, कोई 200 रुपया इकट्ठा करके दे रहा है, किस बात का। हम गरीब लोग हैं, जहां पर सीआरपीएफ पुलिस नहीं थी हम तब भी ईमानदारी से हमारे घोड़े वाले थे काम कर रहे थे। आज भी आप ट्रैक पर जाओ वहां पर कोई लाइट नहीं है, लेकिन मैं अपने घोड़े वालों की दाद देता हूं और फख्र से कहता हूं, मुझे गर्व महसूस होता है कि ये कहने पर कि आज तक इन्होंने किसी के साथ कोई बताया कि कौन सी डकैती की घोड़े वाले ने, कहां चोरी की, कोई आज तक कोई मसला ही नहीं है। डीसी साहब के पास हमने 2-3 बार ये डिमांड रखी कि इनके जो कार्ड हैं पिछले 2014 के बाद नहीं बने हैं वो कार्ड बना दिए, और डीसी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरे सामने 2 बार एसीआर को कहा कि इनका कार्ड बनाओ। लेकिन यहाँ पर जो नायब तहसीलदार है वो बिल्कुल उसके बनाने के फेवर में नहीं है। मैं 2 बार उससे भी मिला, मैंने कहा सर कार्ड बनाओ, क्या था 4 दिन के बाद आना, 5 दिन के बाद आना, कोई सोचेंगे। मैं कारण बताता हूँ, अगर ये कार्ड बना लेंगे, ये जो हफ्ते का एक टूर करते हैं जहाँ पर हमारे ट्रैक पे जाते हैं, फिर देखते हैं जो बिना कार्ड के इनको मिले उसके बाद जो 400 की पर्ची होती है वो पूरी पर्ची ही ले लेते हैं जी, पूरी पर्ची लेके सीधे अपने उस पे चले जाते हैं ऑफिस में, वहाँ ये निकाल के उसका चलान वालों को देते हैं। क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं बताते, अगर किसी को कोई पूछता है तो उसको बदतमीज बोला जाता है। मैंने एक बार फ़ोन किया ऐसे ही, मैं सर कहाँ पर हूँ, मुझे बोलता क्या परेशानी है आपको, बोले इस तरीके की इनको पता ही नहीं कैसे बोलना। कल ही मैं सुन रहा था उधर डीडीसी साहब के पास एक दो लंबरदार चौकीदार आए थे, उनको इन्होंने ऐसी बैड लैंग्वेज यूज की बोलने वाली नहीं है, जहाँ के आपके सामने मैं बता नहीं सकता क्या कहा इन्होंने इस तरीके से। और उसके बाद जितने भी लोग हैं इनकी परमिशन बनाई जाए, हमारी ये डिमांड है। उसके बाद ये जो टैक्स है, जहाँ पर आपको ये फर्स्ट काउंटर है वहाँ पर 100 रुपये लेंगे आने जाने का, अगले पर चले जाओगे 150 रुपये लेंगे, अगले पर चले जाओगे 200 रुपये लेंगे। उनके अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट 50 रुपए हर स्टेप के बाद, जहाँ कम होने चाहिए वहाँ बढ़ते जाते हैं। तो रखी है शादियाँ होने वाली है 2-3 महीनों के बाद, उनका नाम रिटर्न में दे दिया, मतलब पेपर में भी आ जाएगा ये, तो उनका भविष्य उनको कौन सा रिश्ता लड़की कौन देगा ऐसे लड़कों को जो नशा करने वाले। तो अगर उनके पास कोई प्रूफ है या उन्होंने मेडिकल करवाया है वो हमें दिखा दे, वो जिनके नाम है हम यहाँ ट्राई पे हम खुद नहीं चलने देंगे उनको। हमारी यही समस्या है सर। बाकी ये है कि ये श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लाइज हैं, जो श्राइन बोर्ड के यहाँ पे एम्प्लाइज हैं हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, सारे नहीं है सर, कुछ चंद लोग हैं जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, सीधी माँ बहन में से। बाकी हमारे यहाँ का जो पुलिस स्टाफ है बहुत अच्छा है, जो हमारे SHO साहब और जो CRP स्टाफ बहुत अच्छा है, किसी घोड़े वाले को तंग नहीं करते हैं, प्यार से समझाते हैं, मतलब पूरा, मतलब मैं जितना भी बाकी स्टाफ यहाँ पे सब अच्छे हैं सर। ये 2-3 जो चुनिंदा लोग हैं, बस
हम यही चाहते हैं कि अगर श्राइन बोर्ड के मुलाजिम के जो घोड़े चल रहे हैं उनको परमिशन मिल सकती है, तो हमें आम आदमी को परमिशन या कार्ड इशू होना चाहिए। 15-16 साल हमें सर 18 साल सर मेरे को काम करते हो गए, 18 साल मेरे को काम करते हो गए, मेरी कोई एक कंप्लेंट बता दे कि थाने में मेरी कोई FIR लगी है। हम ईमानदारी से काम करते हैं सर। एक जो एक बार हमारे साथ यात्री जाता है वो बार बार हमें याद करता है इधर। हम अच्छी डीलिंग करते हैं, हमारे ये हम इनको सरपंच ही मानते हैं। हमारे जो जीते हुए सरपंच हैं हमने देखे ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, हमारे ये ही सरपंच हैं और ये हमारे सरपंच हैं जो हमारे गरीबों की जनता की बातें सुनते हैं 24 घंटे। यही हमारी उनसे विनती है नायब तहसीलदार साहब से कि ऐसे छोटे बच्चों का भविष्य खराब ना करें, झूठे इल्जाम। हाँ, अगर आपके पास कोई मेडिकल या कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई करें, हमें कोई इतराज नहीं। और दूसरा सर, ये रेड क्रॉस की पर्ची ये डेली आ जाते हैं सर, पीछे बैठ जाते हैं रेड क्रॉस की, जबरदस्ती पर्ची काटते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते उसके पास पैसे नहीं, उसका हमारा एक्चुअली क्या होता है 500 रुपया रेट है और उसमें से 400 हमें मिलता है, 100 रुपया श्राइन बोर्ड टैक्स लेती है और वो पूरी पर्ची ले जाते हैं, 400 रुपये के चक्कर में पूरी पर्ची ले जाते हैं हमारी सारी पर्ची ले रखी। और यही हमारे 2-3 मुद्दे हैं सर। मेन तो हमारा घोड़े का शेड होना चाहिए और जो ये नायब तहसीलदार है और ये इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे छोटे बच्चों पे ऐसा गंदा इल्जाम ना लगाएं बिना प्रूफ के। और तीसरा सर, हमारा ये घोड़े का जो टैक्स है जो नीचे से 100 रुपये आने जाने का है, आगे से 50, मतलब सेम टैक्स होना चाहिए 50 रुपये, एक ही जैसा होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। अगर कटरा में सर, कटरा में 2600 रुपये रेट है, वहाँ पे 50 रुपये टैक्स है एक साइड का, तो यहाँ पे भी 50 ही होना चाहिए। हम नहीं बोलते कि 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टैक्स देखो, यहाँ पे 100 रुपया, आगे जाके 150, उसके ऊपर 200। जो श्राइन बोर्ड वाला ज्यादा मतलब उससे घोड़े वाला नहीं करवाता है तो उसकी कई बार 300 भी कटवा देते हैं, अपनी मर्जी गुंडागर्दी है। इन लोगों के खिलाफ FIR लग रही है, इनके खिलाफ FIR। यार आपके पास कोई एविडेंस है? कहते हैं ये नशा करते हैं तो मेडिकल कराओ, इनका काम है मेडिकल करा के उसके खिलाफ FIR लगाओ। ये अपनी मर्जी से परसों 25 लोगों को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में क्या कर दिया, कहीं लिस्ट SHO के पास पड़ी है। मेरी SHO के साथ भी बातचीत हुई, SHO ने कहा, यार नायब तहसीलदार ने कहा ये 25 लोगों को बैंड गए थे। इनका कहना है कि ये ऐसा करते हैं कि जो घोड़े वाले हैं उनको, जो कार्ड वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं उनको बैंड लगा देते हैं। बैंड लगाने के बाद वो 10-10 हज़ार रुपये आप महीने का लेना शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे जहां पर लोग हैं जो सामने आपको बताएं कि 10 हज़ार रुपया ये लेते हैं। यहां पर तो इतनी अंधेरी पड़ी है तो मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या हो रहा है, ये कौन सा बोट है, ये क्राइम है, श्राइन है, जहाँ ये पैसे इकट्ठे करने के लिए आया हुआ है? सर आपने बात की है नायब तहसीलदार के साथ? नायब तहसीलदार को मैंने क्या कहना है, मैंने बात की तो इसने उल्टे हिसाब से बात की थी, कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने तहसीलदार को बताया, फिर इस ACR को बताया, रियासी में DC को भी मैंने कहा कि जो रनसू के अंदर चल रहा है बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, इसको आप देखो। हमारी बहुत परेशानियाँ हो रही हैं यार जहाँ पर, क्योंकि मेन मसला था हमारा लारी अड्डा। पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि जो लारी अड्डा रनसू के अंदर है ये पंचायत को अख्तियार आते हैं। इन्होंने लारी अड्डा जो सालाना हमारा 25-30 लाख आता ये भी ले लिया, हमारे पर छोड़ा ही कुछ नहीं है। अच्छा, एक पंचायत घर था वो भी हमने इनको नियाबत का, भाई इनके पास नहीं है नियाबत के लिए, इनको पंचायत घर दे दिए, हमारे पर छोड़ा क्या है इनके पास। और जितने भी घोड़े वाले हैं, पिट्टू वाले हैं, पालकी वाले, इनको हरासमेंट कर रहे हैं, ये हम कति भी नहीं होने देंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम इसका इनकी बात बच्चों की अगर सुनते हैं तो इनका कहना है कि इनका जो टैक्स है ये अब 100 रुपया नहीं आने जाने का, ये कहते हैं कि 80 रुपया ही देंगे जो पीछे हम देते थे और 40 रुपया वन साइड का देंगे। और जिनके कार्ड डिस्पैच किए हैं, जिनके कार्ड देखो, जो कार्ड इन्होंने बनाने हैं, ये क्या करते हैं कि जहाँ से एप्लीकेशन रियासी भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं कि जाओ रियासी ACR से मार कराओ। ACR कई बार इनको मिलता है क्योंकि ACR के पास और भी काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, कभी कहाँ मीटिंग, कई बार हफ्ता तक वो मिलते ही नहीं है, तो इनको बहुत परेशानी। मैंने ACR साहब को परसों भी कहा, यार ऐसा करो कि रनसू आके उन परमिशने दे दो, कार्ड आपसे नहीं बन रहे हैं तो परमिशने दे दो जो घोड़े जहाँ पर चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये सारे अनसुनी कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट है हम इनके अब साथ में पूरा हम साथ देंगे और इनके साथ ही रहेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कल तक जो मैंने कहा ये नहीं करती है तो उसके बाद हमारा टोन प्लान का मसला भी रनसू में जाग रहा है। कल से हमारी ये मार्केट